हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज बात करते हैं, आईसीए की सीएमआईबी कमेटी ने करियर एक्सटेंड प्रोग्राम 2024 शुरू कर दिया है। उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। ये उन सीएस के लिए होता है जो बस एक साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और जिनके पास मेंबरशिप है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आईसीए की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। आईसीए की वेबसाइट पर हम देखेंगे लेटेस्ट न्यूज के अंदर एक करियर एक्सटेंड प्रोग्राम का ब्रोशर है। आपको बता देता हूँ इसके मेन मेन हाईलाइट्स क्या है। तो ये उन एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जिनके पास एक साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। सो ये ब्रोशर है, आप देखोगे यहाँ पर, ये एक तरीके का कैंपस प्लेसमेंट ही है, बस ये सिर्फ एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है। जैसे कैंपस प्लेसमेंट होता है वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी सीए फ्रेशर्स के लिए, वैसे ये एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है, उनके लिए ये कैंपस प्लेसमेंट जैसा प्लेसमेंट प्रोग्राम है। एक और चीज, यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग की लिमिट है, मतलब जो कंपनीज होती है वो इंडिविजुअल्स को 5:1 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट करेगी। यहाँ पर दिखने वाली बात यह है कि यहाँ पे लिमिट है शॉर्टलिस्टिंग पे, मतलब एक कंपनी 5:1 के रेशियो में, अगर एक सेंटर पर 50 एप्लीकेशन आती है तो सिर्फ 10 को शॉर्टलिस्ट कर सकती है और हर कैंडिडेट सिर्फ 2 कंपनियों को कंसेंट दे सकता है। और एक बार शॉर्टलिस्टिंग हो गई तो कंपनी के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कैंडिडेट का इंटरव्यू करवाना, वो बैकआउट नहीं हो सकता। और इंटरव्यू का टाइम रहेगा 9 AM से 6 PM। हर एक कंपनी को एक रूम प्रोवाइड किया जाएगा इंटरव्यू करने के लिए। और एक और चीज, यहाँ पर कंपनीज के लिए ये रिजल्ट अपलोड करना मैंडेटरी है, सेम डे जिस दिन उनका इंटरव्यू होगा सेम डे उनको रिजल्ट पब्लिश करना पड़ेगा और एक सफिशियंट टाइम देंगे कैंडिडेट्स को। और एक और चीज यहाँ पर यह है कि रिक्रूटिंग एंटिटीज जो भी होगी, जो भी कंपनीज होगी, आपको उनको रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा सेम डे और डेडलाइन देनी पड़ेगी कि आप कब तक एक्सेप्ट कर सकते हो उनका ऑफर लेटर। फिर कैंडिडेट को अपनी एक्सेप्टेंस देनी है, अपने फॉर्म्स वगैरह फिल करना है। जैसे ही फॉर्म्स वैलिडेट होते हैं उसके विद इन 15 डेज आपको ऑफर लेटर हाथ में देना पड़ेगा कंपनीज को। और एक और चीज बहुत बढ़िया करी आईसीए ने कि मिनिमम सीटीसी का स्लैब है, जैसे वर्क एक्स अगर आपका 1 to 5 years है तो मिनिमम आपका जो स्लैब है वो 12 lakhs होगा। जैसे 5 to 10 years का है तो 17 lakh, 10 to 20 years का है तो 26 LPA और 20 years एंड अबव का एक्सपीरियंस है तो आपको मिनिमम 38 lakhs तो देने पड़ेंगे। और लेकिन एक चीज है कि अगर कोई ओवरसीज रिक्रूटर है तो वैसे उनका वैसे भी सीटीसी ज्यादा ही होता है, तो वहां पर कोई मिनिमम सीटीसी प्रेस्क्राइब नहीं कर रखा। और ये रजिस्ट्रेशन की डेट 15th में से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट जो है 10 जून है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन होगा उनका भी स्टार्ट हो चुका है। शॉर्टलिस्टिंग जो होगी वो 14 से 18 जून के बीच में होगी और कंसेंट जो देना होगा वो आपको 20 से 21 के बीच में देना होगा और 26 तक आपका ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाएगा। चेन्नई में 27 जून, बैंगलोर में 28 जून, मुंबई और कोलकाता का अभी डिसाइडेड नहीं है डेट आएगी। और पिछली बार भी हुआ था ये, और पिछली बार भी बहुत अच्छा हुआ था। 3,800 रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे जिनमें से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 3,000 से भी ज्यादा थे। और काफी अच्छी अच्छी कंपनी आई थी, ITC, PwC, अब देखोगे डेलॉयट, आरसम, टोलाराम ग्रुप, तो बहुत अच्छी कंपनीज है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 1,000 rupees। ऐसा नहीं है कि अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ किसी भी कंपनी में तो आपको 1,000 वापस मिलेंगे, नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी इसकी। और ये कुछ गाइडलाइंस है, आपको यहाँ पर जाकर रजिस्टर करना है, सीएमआईबी की आईसीआई की वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है। और ये कुछ गाइडलाइंस है यहाँ पर, जैसे मेंबर्स को रजिस्टर करना है इसके पहले सीएमआईबी की वेबसाइट है जहाँ पर ये फॉर्म खुला है, वहाँ पर जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एक और चीज है यहाँ पर, अगर आपको किसी कंपनी ने शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपने उसको इंटरव्यू दिया, आप सिलेक्ट हो गए, आपको ऑफर लेटर मिला, आपने ऑफर लेटर साइन कर दिया, ऑफर लेटर साइन करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, करियर एक्सटेंड प्रोग्राम के थ्रू आप कहीं और इंटरव्यू नहीं ले सकते, कहीं और से जॉब नहीं ले सकते। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है ना तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं ट्राई करूंगा आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूँ।